हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन सक्सेना एंड यू आर वॉचिंग फिजिक्स विद नितिन सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो क्लास टेंथ के लिए। इसका नाम है टॉपिक का मैग्नेटिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फ्लक्स एक नया वर्ड है इसमें, तो चाहे वाटर फ्लक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, इस फ्लक्स का मीनिंग क्या है? इस फ्लक्स का मीनिंग है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी पर्टिकुलर एरिया से पास करें, लाइक अगर मैं इस तरीके से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैंने बनाई हैं, तो इसको आप फ्लक्स नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया बना दूं जिससे ये लाइंस पास कर रही हैं, इस पर्टिकुलर एरिया से आप देख रहे हैं ये लाइंस पास कर रही हैं, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया से पास करेंगे उसको हम कहेंगे फ्लक्स। अगर ये वाटर की लेयर्स होती तो ये वाटर फ्लक्स कहलाता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो क्या ये दोनों लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया से पास कर रही हैं? नहीं, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स में काउंट नहीं होंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ वही होगा जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया से पास कर रही हैं। तो उसी मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि एक पर्टिकुलर एरिया से पास करती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में किस तरीके से आता है, मैग्नेटिज्म में कैसे आता है, वो थोड़ा सा एक डायग्राम से हम लोग सीखते हैं। यहां पर ये एक मैंने कॉइल बनाई हुई है, कॉइल का क्रॉस सेक्शन है ये। कॉइल जानते हैं ना कैसी होती है स्टूडेंट्स? कुछ इस तरीके की, लाइक दिस, इस तरीके की होती है कॉइल। तो इसी का मैंने एक क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है, दिस वन। अब इसमें एक बार मैग्नेट की पोजीशंस को हम देख रहे हैं, जिसमें हमने तीन डायग्राम्स लिए हैं। एक में मैग्नेटिक सॉरी बार मैग्नेट जो है वो रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जेनरेट हो गया है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या लिखा है मैंने? व्हेन बार मैग्नेट इज एट रेस्ट मैग्नेटिक फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी अगर आप मैग्नेट को मूव नहीं करवा रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नेट को तेजी से, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, रैपिडली मूव करवाएंगे तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई? बढ़ गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने का मतलब क्या होगा? कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया। तो जैसे ही बार मैग्नेट आप इस कॉइल के पास लेकर आएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो व्हेन बार मैग्नेट इज मूव्ड फॉरवर्ड रैपिडली, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेस। स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर का काम स्टूडेंट्स क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का काम है कि अगर कहीं पर भी करंट फ्लो हो रहा है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, किसी कंडक्टिंग वायर में या किसी कंडक्टर में, और उसके आसपास या उससे कनेक्ट करके रखते हैं आप गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट जैसे ही करते हैं और जैसे ही वो डिफ्लेक्शन शो करता है तो इसका मतलब है कि करंट उसमें फ्लो हुआ। तो जैसे ही आप रैपिडली इसको मूव करवाएंगे तो यहां देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंट्री डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मोमेंट्री मींस कि जितनी देर के लिए ये आगे मूव करेगा बस उतनी ही देर के लिए ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब है कि उतने टाइम के लिए इसमें करंट फ्लो हुआ। थर्ड केस क्या है? थर्ड में हम इसको रैपिडली बैकवर्ड लेकर गए, बैकवर्ड। When bar magnet is moved backward rapidly, then magnetic flux linked with the coil decreases. यहाँ magnetic flux decrease हुआ, तो यहाँ पर जो galvanometer
इस वाले केस में डिफ्लेक्शन शो किया था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा अभी ये। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा इसका मतलब है करंट डिक्रीज हो रहा है। तो उस केस में भी करंट तब तक के लिए ही दिखाएगा जब तक के लिए ये मैग्नेट मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट फैराडेज लॉ के लिए भी एप्लीकेबल है, फैराडेज लॉ में भी यही चीज हम लोग समझेंगे, इस चीज के लिए सेम चीज है। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को, और मैं इसी तरीके से आगे और दूसरे वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा।